बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदार घाटी, केदारनाथ का तापमान गिरकर -8 हुआ। केदारनाथ धाम का कपाट हुआ बंद, आज सुबह 5:30 बजे पूजा पाठ के बाद बंद हुआ कपाट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के केदारनाथ में संध्या आरती की, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। चार धामों में से एक गंगोत्री धाम का भी कपाट हुआ बंद, रविवार को दोपहर 12:15 बजे शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। महाराष्ट्र में आज से खुले मंदिर, कोरोना के कारण पिछले 8 महीने से बंद थे, श्रद्धालुओं को करना होगा सरकार के दिशा निर्देश का पालन। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए हर घंटे 100, हर दिन 1000 श्रद्धालुओं की अनुमति। मंडला कला फेस्टिवल के लिए खुला सबरीमला मंदिर, श्रद्धालु अगले 2 महीने तक भगवान अयप्पा के करेंगे दर्शन। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बनेंगे बिहार के सीएम, शाम 4:30 बजे सीएम पद की लेंगे शपथ। बिहार में एनडीए की सरकार में 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी का नाम डिप्टी सीएम की रेस में। वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कैबिनेट में कई नए चेहरे को शामिल करने का किया इशारा, कहा कई मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण कैबिनेट में फेरबदल संभव। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी टूटी, बिहार से केंद्र भेजे जा सकते हैं सुशील मोदी। जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना, नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा आपके नेतृत्व में बिहार लालटेन युग से एलईडी युग में पहुंचा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी मांझी का निशाना, ट्वीट कर कहा अब बिहार को किसी चिराग की जरूरत नहीं। पटना में आज लेफ्ट पोलित ब्यूरो की बैठक, 18 नवंबर को लेफ्ट पार्टी आज चुनेगी अपना नेता। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, शक्ति सिंह गोहिल, अखिलेश सिंह, मदन मोहन झा, अजय कुमार पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। बिहार में हार के लिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, कहा चुनाव में राहुल प्रियंका मना रहे थे पिकनिक। शिवानंद तिवारी के बयान का बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल पर चुटकी ली है, कहा शिवानंद जी ने राहुल गांधी को ओबामा से ज्यादा जान लिया है। तालिबान के खिलाफ अफगान बलों का बड़ा एक्शन, 70 से ज्यादा तालिबान कमांडर और 152 पाकिस्तानी लड़ाके ढेर। आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी जीत, अफगान सरकार ने जारी की आतंकियों की लिस्ट। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान की फजीहत, चुनाव में खरारी हार के करीब इमरान की पार्टी। गिलगित बाल्टिस्तान की जनता पाकिस्तान के विरोध में, गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री ने भी जताया विरोध, गिलगित बाल्टिस्तान के युवाओं ने चुनाव का बहिष्कार किया। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने महासचिव भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी है, हैदराबाद जीएचएमसी चुनाव के इंचार्ज बनाए गए भूपेंद्र यादव। बीजेपी ने केंद्रीय अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बनाया, सांसद संजय भाटिया और शहनवाज हुसैन बनाए गए सह प्रभारी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है, उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल। बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री और केंद्र को कहा शुक्रिया, कोरोना से जंग के लिए सारी एजेंसियां मिलकर करेंगी काम। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट को डबल किया जाएगा, कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए डीआरडीओ 300 आईसीयू बेड करेगा तैयार। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में कोरोना को रोकने में केजरीवाल को विफल बताया, ट्वीट कर कहा दिल्ली को अमित शाह ही बचाएंगे, विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री नहीं। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक का विरोध, जंतर मंतर पर जेडीयू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए बारिश बनी देवदूत, बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर गिरा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 68,50,000 के स्टैम्प चोरी का मामला सामने आया, डीएम ने स्टैम्प ड्यूटी में हेराफेरी करने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह पर गाय को गोली मारने का आरोप, सहारनपुर के किसान ने गाय को गोली मारने का दावा किया है। लंच डाउन में 17 नवंबर से शुरू होगा सेना भर्ती मेला, सेना में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट करा रहे युवा। मध्य प्रदेश में अब आदिम जाति कल्याण विभाग होगा जनजातीय कल्याण विभाग, सीएम शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश में नहीं चलने दूंगा धर्म परिवर्तन का खेल। ग्वालियर में हिंदू महासभा में फिर मनाया नाथूराम गोडसे का शहीद दिवस, प्रशासन ने नाथूराम की जब्त प्रतिमा लौटाने की मांग। बलरामपुर में गोदाम में पड़े पड़े एक्सपायर हुई कीटनाशक दवाइयां, किसानों को बांटी जानी थी दवाइयां। धार में नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी, एक की हालत गंभीर। रतलाम में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सागर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने, मेडिकल स्टोर में लगी आग बुझाने के लिए बिना पानी के ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, किसानों के सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद। झारखंड के गुमला में फॉल में नहाते समय सेल्फी लेना जानलेवा बना, हीरा द फॉल में डूबने से 3 युवकों की मौत। मधुबनी में अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सिवान के मरवा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, 50,000 रुपए नगद, 5 लाख रुपए के गहने लूट कर ले गए चोर।
राजस्थान के मकरानों में 8 लाख रुपए के पटाखे जब्त, पुलिस ने एक पटाखा कारोबारी को किया गिरफ्तार। बारा में NH-27 पर दर्दनाक हादसा, एक ट्रेलर और 3 ट्रकों के बीच भिड़ंत, हादसे में कोई हताहत नहीं। रिलायंस रिटेल ने खरीदा अर्बन लैडर में 96% की हिस्सेदारी, 182 करोड़ में हुई डील। व्हाट्सएप जल्द लेकर के आएगा फेस अनलॉक फीचर, फोन चेंज होने के बाद भी काम करेगा नया फीचर। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सोने का आयात 47% घटा, चांदी का आयात में भी करीब 65% की गिरावट आई। फास्टैग इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंची, एक साल में 92 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ। मुरत ट्रेडिंग में जमकर के खरीदारी के बाद आज बाजार बंद रहेगा, शेयर मार्केट आज बंद। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के अभ्यास का वीडियो किया शेयर, लाल गेंद से खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।